सारा कुरान हजूर दी नात है, हजूर दी तरीफ है। समझ उन्होंने आँदी है कुरान दी जिंदे सामने कुरान होवे, गले च गुलामी है मुस्तफा दा पटा होवे, कुरान सामने होवे, दिल दे अंदर हजूर दा इश्क होवे, वो फिर कुरान नु पढ़ के ते कुरान बंद करके यही कहंदा है, जेरां जबरां ते शद्दां मद्दां ते शान तेरी विच आईयां, आमा लोकां खबर न काई, खासा रमजां पाईयां। कुरान पढ़ के ते कुरान जेड़े समझते ने, जंडियाले शेर खान का सैयदज़ादा बोल के कहंदा है, जिन्हें नहीं डिटा वो ही करन गल्ला, जिन्ना वेख लिया उते बोलते नहीं, जेड़े राज हकीकत जानते ने वो राज हकीकत खोलते ने। पूरा कुरान हजूर दी नात है, पूरा कुरान हजूर दी तरीफ है, लेकिन चार जगह ते अल्लाह ने अपना खास करम किया ते हजूर दा ओ इसमें ग्रामी जेड़ा हजूर दा नफ्स, हजूर दा नाम मुहम्मद है। कुराने मजीद के अंदर चार जगह ते लफ्ज़ मुहम्मद आया है, चार जगह ते। वैसे तो पूरा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह दी अलफ तो लैके वन्ना दी सीन तक सारा कुरान ही हजूर दी नात है, तरीफ है, जिथों भी पढ़ो जी। पर शरत है पढ़न वाला हजूर दा आशिक होवे, हजूर की शान उन्हों समझ चाहती है जेड़ा हजूर का आशक पढ़े, और तमाम मुश्किलात नूं हल करन वास्ते इस नाँ का वजीफा किया जाए, अल्लाह मुश्किलां हल कर देता है। इस नाँ का वजीफा किया जाए, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है नामे मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कम बिगड़िया होवे ना तो इस नाम का सदका दुआ करिए, अल्लाह बिगड़े कम ही संवार देता है, बिगड़े कम ही संवार देता है। जिंदा ना एडा सोहना होवे वो कमली वाला आप एडा सोहना होना है।